और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके सियासी माहौल को गर्मा दिया है। दावे वादे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि ये वो सब करने की जगह 2003 से पहले की दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार और 2014 से पहले की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की बातों से गुमराह नहीं होने वाली है। ये सुनवाते हैं उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है। मैंने कहा कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। उनके प्रवक्ता का वह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस की राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय। वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है भाई, ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है, गाला ऋषि की तपोभूमि है, संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली है, कुशाभाऊ ठाकरे जी की अध्ययन स्थली है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का प्रथम बार प्रतिपादन ग्वालियर की धरती पर किया। ग्वालियर ने सबसे पहला मेयर देश को जनसंघ का दिया। ग्वालियर में सबसे पहला जनसंघ का कार्यालय देश भर में बना अपना, तो ग्वालियर में बना, ये तो हमारा नरा गया हुआ है यार।